कुछ महीनों से ये खबर आ रही थी कि फोर्ड इंडिया अपना ऑपरेशन इंडिया में बंद करने वाली है, पर ये अफवाहें अब सच साबित हो गई क्योंकि फोर्ड ऑफिशियल ने फाइनली इंडिया छोड़ने का प्लान बना लिया है। तो क्या होगा इम्पैक्ट, जानेंगे इस पूरे वीडियो में। तो पूरे वीडियो में आप बने रहें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फाइनली फोर्ड अपना प्लांट भारत में बंद करने जा रही है। इसका सबसे बड़ा जो असर वो एम्प्लॉय के ऊपर पड़ने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 4000 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी जॉब जा सकती है प्लांट बंद होने के बाद। हालांकि कंपनी कुछ कारों का इंपोर्ट कर उसका सेल जारी रखेगी। कंपनी ने अपना चेन्नई और सानंद में लगभग $2.5 अरब का निवेश किया है, और इन प्लांट से इकोस्पोर्ट, फिगो और एस्पायर जैसे कार की बिक्री बंद कर देगी। आपको ये भी बता दें, भारत में प्लांट बंद करने वाली ये दूसरी कंपनी होगी जो कि अमेरिका की है। इससे पहले 2017 में जनरल मोटर ने भी अपना प्लांट बंद करने की घोषणा की थी। तो दूसरा झटका जो है वो डीलर्स को लगने वाला है, क्योंकि डीलर्स के पास करीबन 1000 गाड़ियों की इन्वेंट्री है, और उन्होंने इस इन्वेंट्री के लिए बैंक से करीब 100-200 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है। अगर लोन नहीं चुकाया तो उनके आर्थिक हालात भी बिगड़ सकती है। कारण, अब लोग इस खबर से इस कंपनी की गाड़ियां में दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे तो सेल्स एकदम डाउन होने वाली है। आपको ये भी बता दें कि कार मैन्युफैक्चरिंग में फोर्ड वर्ल्ड की 5th सबसे बड़ी कंपनी है, और रेवेन्यू के मामले में भी 4th सबसे बड़ी कंपनी है, जो अपना ऑपरेशन इंडिया में 25 साल बाद बंद करने जा रही है। रीजन है, पिछले 10 सालों में कंपनी को $2 बिलियन का घाटा हुआ है जो कंपनी अब सह नहीं पा रही है। हालांकि फोर्ड इंडिया ने डीलर्स को ये भरोसा दिलाया है कि कस्टमर को वाहनों का सर्विस अभी जारी रखेगी, पर फोर्ड की इस फैसले से डीलर खुश नहीं है। कारण है, कंपनी का 391 आउटलेट के साथ 170 फोर्ड डीलर्स जुड़े हुए हैं, और इन डीलरशिप को बनाने की करीब 2000 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा की है, और इन डीलरशिप से कम 40,000 से भी ज्यादा लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, जो अभी अपने आप को मुश्किल में देख रहे हैं। और इस वक्त उन डीलर्स को सबसे ज्यादा झटका लगने वाली है जो हाल ही में कंपनी के साथ जुड़े हैं। आपको ये भी बता दें कि लास्ट कुछ सालों में विदेशी कंपनियों का भारत छोड़कर जाने का मानो तो ट्रेंड ही लगा हुआ है, जैसे कि हार्ले डेविडसन, मैनस्ट्रा, क्यूएन लोया, फिएट, जनरल मोटर्स। इसके अलावा भी कई सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां भी है जो भारत छोड़कर चले गए हैं। तो आप अगर न्यू जनरेशन एंडेवर और इको स्पोर्ट फेसलिफ्ट खरीदने का वेट कर रहे हैं तो ये वाहन आप भारत में नहीं लाए जाएंगे। फोर्ड की रेसिंग हिस्ट्री की भी बात करें तो दुनिया की सबसे पुरानी स्पोर्ट्स कार रेस ले मेंस में 24 घंटा में पोर्स लोम्बर्गिनी और फरारी को पछाड़ दिया था। 1966 में जब फोर्ड ने अपने GT40 के साथ रेस में हिस्सा लिया था तो उसने फरारी को 6 साल की जीत का लकीर समाप्त करने के लिए खिताब जीता, और फोर्ड ने लगातार 4 साल तक चैंपियनशिप जीती। ऐसे और भी दिलचस्प कहानी है, पर आज का वीडियो यहीं तक। तो आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।